फर्स्ट से थर्ड मिला तो थर्ड को सेकंड में पुट करना है। यही प्रोसेस हमें हमेशा अपनाना है जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इसमें देखो डिफिकल्टी लेवल क्या है। देखो करना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है, केवल और केवल यहां पे स्क्वायर रूट की वैल्यू दे रखी है, बच्चे इसी से घबरा जाते हैं। तो इसको आसान तरीके से सोल्व करेंगे। तो इसको क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वही देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लो, पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हो, सेकंड ले सकते हो, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहां पे मैं x की वैल्यू y की फॉर्म में चेंज करता हूं, तो स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू, यहां पे इधर जाएगा ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3y। ओके, माइनस में चला जाएगा। और x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3y होल डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो ये हमें मिल गया थर्ड। अब देखो यहां थर्ड हमें मिला किससे, फर्स्ट से। तो थर्ड को किसमें पुट करें, सेकंड में। फर्स्ट से थर्ड मिला तो थर्ड को सेकंड में पुट करना है। यही प्रोसेस हमें हमेशा अपनाना है जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो। तो फर्स्ट से थर्ड मिला और थर्ड को सेकंड में पुट कर दो, पुट थर्ड इन सेकंड। तो स्क्वायर रूट 3, यहां पहले से स्क्वायर रूट 3 है, और x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये वाली टर्म। तो माइनस स्क्वायर रूट 3y होल डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2y इज इक्वल टू 0। अब यहां मल्टीप्लीकेशन करनी है स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट में। तो रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करी तो माइनस, यहां 3y आ जाएगा माइनस, तो ये पहले से है, रूट की वैल्यू रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब देखो रूट की मल्टीप्लाई रूट में करते हैं तो 3 क्यों आता है, ये थोड़ा सा एक सप्लीमेंट डोज देते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। ओके, 3 की पावर 1/2 होता है। अगर मैं यहां पे मान लो 3, यहां पे क्यूब रूट है, तो उसका मतलब क्या होगा, 3 की पावर 1/3 हो जाएगा। अगर यहां पे 3 की पावर 4 है, तो यहां का मतलब 3 की पावर 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां जब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर रूट 3 होगा तो ये मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 की पावर क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2। वो एक जो एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला था ना कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता था, a की पावर m प्लस n, 9th क्लास में पढ़ा था। तो वही हमने यहां पे a की पावर m a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n ये कर दिया, तो ये क्या आएगा, 3 की पावर 1/2 को प्लस करेंगे 1/2 में तो 1 आएगा, तो 3 आ जाएगा इस तरह से। तो इसीलिए यहां पे 3 आ गया। ओके, ये थोड़ा सा सप्लीमेंट डोज था। अब ये मल्टीप्लाई होगी, इसके बाद ये नीचे स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2y इज इक्वल टू 0। जब स्क्वायर रूट 2 का यहां पे ये एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे 1 है तो स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, ये माइनस 3y माइनस स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई, देखो 1 से इसको डिवाइड करा स्क्वायर रूट 2 आएगा, स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2y इज इक्वल टू 0। तो यहां इसके बाद ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये कितना आया, -5y इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, ये -5 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना आ गया, 0। y की वैल्यू यहां पे 0 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये देखें, पुट y इज इक्वल टू 0 इन, किसमें रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, हम रखेंगे थर्ड में, यही बताया मैंने अभी तक। तो ये थर्ड में रखो, तो थर्ड में पुट करो, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3y की वैल्यू यहां पे 0 होल डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये जो भी मल्टीप्लीकेशन वगैरह करेंगे तो जीरो ही आएगा, एक्स की वैल्यू भी जीरो आई। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।